हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आरआरबी एनटीपीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की आपके 2019 की कट ऑफ क्या रहेगी, जोन वाइज बात करूंगा दोस्तों मैं। आज का जो हमारा जोन रहेगा अजमेर जोन रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पर्टिकुलर हर एक वीडियो में एक जोन उठाऊंगा, उसके यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला वो बताऊंगा मैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, यहाँ पे 2019 और 2015 दोनों का एनालिसिस साथ में करूंगा मैं। तो आपको बता देता हूँ 2015 का पहले ब्रीफ में कि 2015 में टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए थे, टोटल वैकेंसीज कितनी थी। दोस्तों, यहाँ पे 1088 वैकेंसीज के लिए यहाँ पे 5,68,465 यहाँ पे कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। 5,68,465 कैंडिडेट ने यहाँ पे 1081 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। और यहाँ पे बात करें 2019 में तो 1770 पोस्ट है, यहाँ पे पोस्ट बढ़ा दी गई, अब की बार 1770 पोस्ट है। और उसके लिए यहाँ पे 9,22,373 लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो दोस्तों, अगर इनका रेशियो निकाला जाए तो अब की बार जो यहाँ पे एक सीट के लिए 520 कैंडिडेट आ रहे हैं, और 2015 की बात करें तो यहाँ पे 522, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों यहाँ पे, सेम डिफरेंस है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे पड़ेगा दोस्तों कि अगर बात करें 2015 में, तो 2015 में यहाँ पे ओनली 15 गुना कैंडिडेट को दिया गया था, और 2019 की बात करें तो यहाँ पे 20 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे कट ऑफ में थोड़ी सी कटौती देखने को मिलेगी अब की बार, 2019 की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी पिछली बार के बजाय, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अजमेर जोन में थोड़ा सा ही डिफरेंस आने को देखने को मिलेगा। तो अब आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ कि कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर की आपके 2015 की कट ऑफ क्या रही थी एनटीपीसी की। तो दोस्तों, अजमेर जोन की जो यहाँ पे कट ऑफ रही थी 2015 की, यूआर कैटेगरी की दोस्तों यहाँ पे 77.39 यहाँ पे सीबीटी फर्स्ट की कट ऑफ गई थी। ओबीसी की अगर बात करें तो 70.93 यहाँ पे कट ऑफ गई थी ओबीसी की। और यहाँ पे एससी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे एससी की कट ऑफ गई थी 62.13, और एसटी की कट ऑफ यहाँ पे गई थी 59.74। ये यहाँ पे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है। और अब की बात देख लेते हैं कि 2019 में जो आपका यहाँ पे सेफ स्कोर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, 2019 में जो यहाँ पे यूआर कैटेगरी के अगला, अगर आपको लगता है कि सेफ स्कोर कितना गेन होगा, तो आपको बता दूं कि यूआर कैटेगरी में डिफरेंस रहेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं रहेगा। तो आपका यहाँ पे 70 से 72 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। जी दोस्तों, 70 से 72 मार्क्स आपके यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है यूआर कैटेगरी की 2019 में, जनरल कैटेगरी से अजमेर जोन की। और अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के दोस्तों यहाँ पे 65 से 68 आपकी ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है अब की बार। और इसके अलावा दोस्तों, एससी की बात करें तो एससी की कट ऑफ यहाँ पे 60 से 62 एससी की कट ऑफ जाएगी। और इसके बाद में दोस्तों फाइनल बचता है एसटी की कट ऑफ, तो एसटी की कट ऑफ आपके यहाँ पे 54 से 56 आपकी एसटी की कट ऑफ जाएगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों अब की बार यहाँ पे अजमेर की ये है कि आपके अगर यूआर कैटेगरी में 70 से 72 मार्क्स अगर आपके आ रहे, नॉर्मलाइजेशन को मिला के, दोस्तों नॉर्मलाइजेशन को मिला के बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा आपके कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि अब की बार 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है, इसलिए आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा और पोस्ट भी ज्यादा है। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे ओबीसी में 65 से 68 जाएगी, एससी में 60 से 62, और एसटी के अंदर 54 से 55 आपकी कट ऑफ जाने वाली है। ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों यहाँ पे। और इसके अलावा दोस्तों, आपको फिर से बता दूं मैं कि 2015 के अंदर जो यहाँ पे जो कट ऑफ थी उससे की बार कम ही जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। और दोस्तों, जो लोग बोल रहे हैं कि जैसे कि ना एग्जाम देके आ रहे और बता रहे कि मैं 90 करके आया हूँ अटेम्प्ट में, 95 अटेम्प्ट करके आया हूँ, तो यहाँ पे सिली मिस्टेक्स बहुत सारी होती है। तो ये मान के मत चलिए कि कोई 85 अटेम्प्ट करके आ रहा है तो उनके 85 नंबर ही आ जाएंगे। 85 नंबर वालों के यहाँ पे 70 भी नंबर आते हैं, 65 भी आते हैं, 60 नंबर भी आते हैं। तो एवरेज जो यहाँ पे रहने वाला है वो यही रेशियो रहने वाला है, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।